सत श्री अकाल साडियाला टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसी कौर, न्यूजीलैंड के संबंधित कुछ खास खबरां लेके हाजिर हाँ। न्यूजीलैंड कोविड 19 के केसों का आना बंद नहीं हो रहा। बीते दिन भी न्यूजीलैंड 43 नवे केस कोविड 19 के दर्ज किए गए ने। इन्होंने 40 केस ऑकलैंड 3 केस वायकाटो ने। इसकी पुष्टि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ डॉक्टर एशले ब्लूमफील्ड के वालों बीते दिन की गई। इन्हों 19 केस अनलिंक्ड दसे जा रहे हैं, जाने कि इन्होंने बारे जांच आ रही है कि इन्हों का केस किस दे नाल लिंक है। उते ही डेल्टा आउटब्रेक के कुल केसों की गिनती हुण तक 1664 हो चुकी है। जेकर गल की जाए इस समय हस्पताल केसों की, तो 34 केस इस समय कोविड 19 की हॉस्पिटल एडमिट ने, जिन्हों 17 केस मिडलमोर हॉस्पिटल के 9 केस ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल 6 केस इस समय नॉर्थ शोर हॉस्पिटल 1 केस वायकाटो हस्पताल 1 केस पामस्ट नॉर्थ हस्पताल है। न्यूजीलैंड वैसे तो कोविड 19 की वैक्सीन नू लेके लोगों नू ज़्यादा तो ज़्यादा उत्साहित किया जा रहा है, तो वैक्सीन लैण के लिए इनकरेज किया जा रहा है, पर हजे भी बहुत सारे लोग ही वैक्सीन नहीं लै रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री वालों ताज़ा जारी किए आंकड़े के मुताबिक इस डेल्टा आउटब्रेक के 80% केस अनवैक्सीनेटड ने, जाने कि 80% केसों के वालों कोविड 19 की वैक्सीन ली ही नहीं गई। डिटेल सामने आया कि इन केसों के 1285 ने कोविड 19 की कोई भी डोज नहीं ली। इन्हों 342 12 साल की उम्र तो घट के उम्र के बच्चे ने, जो कि इस एलिजिबल ही नहीं ने। इस आउटब्रेक के 4.1% लोग ही फुली वैक्सीनेटड ने। इस डेल्टा आउटब्रेक के केसों की गल करिए, इस 54.7% पैसिफिक लोग ही ने, 24.6% माउरी, 11.7% यूरोपियन ते होर, 7.3% एशियन कम्यूनिटी के लोग इस कोविड पॉजिटिव पाए गए ने। बीते दिन साउथ आइलैंड ते लोअर नॉर्थ आइलैंड अर्थक्वेक के झटके महसूस किए जाने की खबर सामने आई है। जानकारी मुताबिक यह झटके 16,000 के करीब लोगों के वालों महसूस किए गए। 5.3 मैगनीट्यूड का यह भूचाल लोअर नॉर्थ आइलैंड ते अपर साउथ आइलैंड दे विच लोकां नूं महसूस होने मिलिया। जियोनेट दे मुताबिक यह भूचाल बीती दोपहर 2:55 के करीब आया, तो इस नूं लाइट ते शेकिंग कैटेगरी दे विच रखा गया। उत्थे बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया से भी इस भूचाल के बारे जानकारी साझी की है। न्यूजीलैंड हर साल होने वाला क्रिसमस इन द पार्क ईवेंट इस साल ऑकलैंड नहीं होएगा। कोविड 19 की रिस्ट्रिक्शन के कारण ही इस ऑकलैंड रद्द किए जाने की खबर सामने आई है। ऑर्गनाइजर की भी जेकर मनीए तो उन्होंने मुताबिक 26 साल के इतिहास के पहली बार पिछले साल इस रद्द किया गया सी, ते हुण लगातार दूजे साल इस रद्द करना पिया। दसे कि द कोका कोला क्रिसमस इन द पार्क ईवेंट बहुत ही मशहूर ईवेंट है, जो कि हर साल न्यूजीलैंड दे विच किया जाता, जिथे कि हजारों की गिनती दे विच लोग इस विच शमूलियत करते हैं। उधर ऑर्गनाइजर दी मनीए ते इस साल क्राइस्टचर्च दे विच हालांकि इस जरूर करवाया जाएगा। उन्होंने मुताबिक क्राइस्टचर्च दे हैगले पार्क दे विच यह ईवेंट नवंबर महीने दे विच करवाया जाएगा, पर ऑकलैंड दे विच इस रद्द करना पिया क्योंकि कोविड 19 के केस लगातार आते जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि क्राइस्टचर्च दे विच सरकारी गाइडलाइंस के तहत ही इस ईवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑकलैंड दे विच वह लोगों की सेहत के नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस करके दूजे साल लगातार इस रद्द करना पिया। इस हुण तक दी कुछ खास खबरां, नवी ते ताज़ा तरीन जानकारी दे लई तुसीं बने रहो साडे वाला टीवी दे नाल। ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।